लामटा चरेगांव क्षेत्र की राशन दुकानों में नहीं मिल रहा गेहूं, उपभोक्ता हो रहे परेशान। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदान किए जाने वाला गेहूं राशन की दुकानों से गायब हो गया है। राशन दुकानों से कार्ड धारकों को गेहूं नहीं मिलने से मायूस होकर लौटना पड़ता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मिथिलेश जायसवाल, प्रदेश महासचिव असंगठित कामगार कांग्रेस ने बताया कि भाजपा सरकार के राज में किसान, युवा, व्यापारी हर वर्ग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बीपीएल कार्ड धारक उपभोक्ता भी परेशान हैं, उन्हें समय पर अनाज नहीं मिल रहा। चरेगांव, लामटा सहित जिले भर की राशन दुकानों में पिछले कई माह से गेहूं नहीं मिल रहा, जिसके चलते उपभोक्ताओं को बाजार से महंगा गेहूं खरीदना पड़ रहा है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आप राशन लेने गए थे तो क्या हुआ? चावल मिला है। अच्छा, और गेहूं? गेहूं 5 महीने से नहीं मिल रहा, अप्रैल से, चौथे महीने से। तो क्यों नहीं मिल रहा है गेहूं, ऐसे बात किए थे? चावल ही आ रहा है, गेहूं नहीं आ रहा है बोल रहे। अच्छा, कहाँ, कौन सी सोसाइटी है? अपनी चरेगांव सोसाइटी। गेहूं आपको होना नहीं होना जरूरी है? गेहूं नहीं, जरूरी है। क्या नाम है आपका? सीमा। हाँ, ये आपको जो है सोसाइटी में गेहूं कितने महीने से नहीं मिल रहा है? 5 महीने। अच्छा, अभी आज को गेहूं मिला है आपको? चावल। चावल मिला है। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? चरेगांव। और सोसाइटी? चरेगांव। गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है तरीके से। ये प्रदेश की भाजपा की निकम्मी सरकार है जिसकी करतूत है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिससे मध्य प्रदेश में रह रही जनता परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा पढ़ा लिखा वो भी परेशान है, और छात्र छात्राएं भी परेशान है। ये आपको मालूम है। उसी क्रम में अभी राशन कार्ड के हितग्राही भी पिछले 5-6 महीने से गेहूं की आपूर्ति को लेकर परेशान है। पिछले 5-6 महीने से राशन दुकानों में हितग्राहियों को, कार्डधारियों को गेहूँ नहीं मिल रहा है। ये पूरे बालाघाट जिले के लिए बड़ी दुख की बात है।